नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अनंत काल सर्प योग के बारे में। अनंत काल सर्प योग के लक्षणों के बारे में आइए जानते हैं। ऐसे जातक को व्यक्तित्व निर्माण करने में एवं आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ग्रस्त जीवन बिगड़ा हुआ एवं अशांतिपूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन असंतोषजनक बना रहता है। स्वपरिवार जनों से नुकसान झेलना पड़ता है। मानसिक अशांति एवं रोजी रोटी के लिए परेशान रहना पड़ता है। एक के बाद एक अनंत मुसीबतें आती रहती हैं। अनंत काल सर्प योग जब लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु हो और उनके बीच समस्त अन्य इनके मध्य में ग्रह आ जाएं तो अनंत काल सर्प योग बनता है। इस अनंत काल सर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती। वह सदैव अशांत रहता है, क्षुब्ध परेशान तथा अस्थिर रहता है, बुद्धिहीन हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी रोग भी उसे परेशान करते हैं। मुकदमे कोर्ट कचहरी के कारण जातक को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भूत प्रेत जादू टोना टोटके आदि का ऐसे व्यक्तियों पर शीघ्र प्रभाव होता है। वह बार बार बीमार भी पड़ता रहता है। वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक एवं असंतोषजनक होता है। ऐसे जातक का विवाह अनचाहा और बेमेल होता है। ऐसा जातक दुष्ट बुद्धि, कपटी, मिथ्याभाषी, प्रपंच, झूठा और लंपट होता है। वह प्राय षड्यंत्रों में फंसकर हानि एवं अभ्यास भोगता है। भयंकर कठिनाई में जिंदगी जीता है और एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक में धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कमी हो जाती है। वह नास्तिक बन जाता है। भाई बहनों, नाते रिश्तेदारों एवं मित्रों से भी धोखा मिलता रहता है। उपाय के तौर पर अनंत काल सर्प योग वाले जातक को महामृत्युंजय जप 1.25 लाख संख्या में कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कराना चाहिए। नाग गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जातक की कुंडली में काल सर्प दोष दूर हो जाता है और उसे सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।